भारत की एक प्रमुख कबड्डी प्रतिभा रोहित कुमार ने प्रो कबड्डी लीग में गुजरात जायंट्स का प्रतिनिधित्व करते हुए उल्लेखनीय प्रभाव डाला है। लीग के माध्यम से उनकी यात्रा असाधारण से कम नहीं रही है, जो उल्लेखनीय उपलब्धियों और खेल के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक के रूप में प्रतिष्ठा से चिह्नित है। कुमार के नेतृत्व गुणों का प्रदर्शन तब हुआ जब उन्होंने प्रो कबड्डी लीग के सीजन 6 में बेंगलुरु बुल्स की कप्तानी करते हुए जीत हासिल की, एक ऐसी उपलब्धि जिसने एक कबड्डी किंवदंती के रूप में उनकी स्थिति को और मजबूत कर दिया। कबड्डी मैट पर कुमार का असाधारण कौशल वर्षों से उनके प्रभावशाली आंकड़ों में परिलक्षित होता है। आइए विभिन्न सीजन में उनके प्रदर्शन पर नजर डालें। सीजन 3 पटना पायरेट्स। सीजन 3 में पटना पायरेट्स के लिए खेलते हुए रोहित कुमार ने अपनी रेडिंग क्षमता का प्रदर्शन करते हुए प्रभावशाली 102 रेड अंक अर्जित किए। उन्होंने 4 सुपर रेड और 5 सुपर 10 रिकॉर्ड किए, जो खेल का रुख पलटने की उनकी क्षमता का प्रमाण है। इसके अतिरिक्त उन्होंने एक खिलाड़ी के रूप में अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए और कुल 109 अंक अर्जित करते हुए अपनी टीम की रक्षा में 7 टैकल पॉइंट का योगदान दिया। सीजन 4 बेंगलुरु बुल्स। सीजन 4 में बेंगलुरु बुल्स में जाने के बाद कुमार ने प्रभावित करना जारी रखा। उन्होंने 14 मैचों में भाग लिया और 93 रेड अंक हासिल किए। कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करने के बावजूद उन्होंने 3 सुपर रेड और 1 सुपर 10 हासिल किया। इसके अलावा उन्होंने 1 सुपर टैकल सहित 7 टैकल अंक हासिल किए, जिससे उनकी टीम की रक्षा में महत्वपूर्ण योगदान हुआ और कुल 100 अंकों के साथ सीजन का समापन हुआ। सीजन 5। सीजन 5 रोहित कुमार के लिए एक ब्रेकआउट वर्ष था, क्योंकि उन्होंने आश्चर्यजनक 22 मैच खेले, जिसमें आश्चर्यजनक 219 रेड अंक अर्जित किए। 12 सुपर 10 हासिल करने की उनकी क्षमता मैट पर उनके प्रभुत्व का प्रमाण है, जिससे रक्षकों को पीछे छोड़ दिया जाता है। उन्होंने 1 सुपर टैकल के साथ डिफेंस में भी योगदान दिया और कुल 231 अंक जुटाए, जिससे यह सीजन उनके करियर का एक निर्णायक क्षण बन गया। सीजन 6 बेंगलुरु बुल्स के साथ रोहित कुमार की यात्रा सीजन 6 में अपने चरम पर पहुंच गई। 24 मैचों के साथ उन्होंने अपनी निरंतरता और कौशल का प्रदर्शन करते हुए 162 रेड अंक अर्जित किए। उन्होंने 5 सुपर रेड और 5 सुपर 10 रिकॉर्ड किए, जिससे वह मैट पर ताकतवर बन गए। इसके अतिरिक्त उन्होंने 1 हाई 5 हासिल किया और 9 टैकल पॉइंट का योगदान दिया। कुमार के नेतृत्व ने बेंगलुरु बुल्स को जीत दिलाई और उन्होंने कुल 171 अंकों के साथ सीजन का समापन किया। सीजन 7। सीजन 7 में कुमार ने बेंगलुरु बुल्स के लिए 19 मैच खेले और 2 सुपर रेड और 3 सुपर 10 के साथ 94 रेड अंक हासिल किए। उनका योगदान खेल के रक्षात्मक पहलू तक बढ़ा, जहां उन्होंने 6 टैकल अंक हासिल किए, जिससे उनकी टीम को मदद मिली और सीजन 100 अंकों के साथ समाप्त हुआ। सीजन 8 तेलुगु टाइटंस। सीजन 8 में तेलुगु टाइटंस के साथ रोहित कुमार की यात्रा जारी रही। हालांकि इस सीजन के लिए विशिष्ट आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, लेकिन कबड्डी मैट पर उनकी उपस्थिति महत्वपूर्ण रही। प्रो कबड्डी लीग से परे कुमार की उत्कृष्टता अंतर्राष्ट्रीय मंच तक बढ़ी। वह कई प्रतिष्ठित प्रतियोगिताओं में भारतीय कबड्डी दल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। 2017 और 2018 में उन्होंने वैश्विक मंच पर अपने कौशल और समर्पण का प्रदर्शन करते हुए एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया। 2018 में कबड्डी मास्टर्स दुबई के लिए टीम में उनका शामिल होना एक कबड्डी खिलाड़ी के रूप में उनके कौशल को प्रमाणित करता है। इसके अतिरिक्त कुमार को 2018 में एशियाई खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने का सम्मान मिला, जहां उन्होंने निस्संदेह अपने प्रदर्शन से एक अमिट छाप छोड़ी। इसके अलावा
कुमार की उल्लेखनीय यात्रा को पहले ही मान्यता मिलनी शुरू हो गई थी जब उन्हें गुवाहाटी और शिलांग में आयोजित 2016 दक्षिण एशियाई खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था। इतनी कम उम्र में राष्ट्रीय टीम में उनका शामिल होना उनकी अपार प्रतिभा और क्षमता का प्रमाण था। संक्षेप में, रोहित कुमार का कबड्डी में करियर शानदार रहा है। प्रो कबड्डी लीग में उनका योगदान, जहां उन्होंने कई उपलब्धियां हासिल की और अपनी टीम को जीत दिलाई, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए भारत के सबसे असाधारण कबड्डी खिलाड़ियों में से एक के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत किया। उनकी यात्रा दुनिया भर में महत्वाकांक्षी कबड्डी खिलाड़ियों और प्रशंसकों को प्रेरित करती रही है, जो खेल में समर्पण, कौशल और नेतृत्व के एक चमकदार उदाहरण के रूप में काम कर रही है।